दोस्तों, इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जिन्हें अपने समय का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, अपना समय कहाँ बर्बाद कर रहे हैं इसका उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं है। और वहीं जो दूसरे लोग, वो अपने समय का भरपूर उपयोग करते हैं, पल पल का उपयोग करते हैं, अलग अलग चीजों में उपयोग करते हैं, अलग अलग जगहों पर वो अपने समय का उपयोग करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आप अपने समय का उपयोग अलग अलग जगह पर कर रहे हैं, जैसे अपनी नौकरी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार के लिए, और ऐसी बहुत सी चीज हैं जो आपके जीवन में है, उन सबको आप अपना कीमती समय अवश्य देते होंगे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम चाहे कितना भी अपने समय को बांट लें, हम चाहे कितना भी अपने समय को हर चीज में क्यों ना लगा रहे हों, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा भी है जिसे हम समय नहीं दे पाते हैं, जो कि हमें उसे देना अति आवश्यक है। हम भले ही अपना समय पूरी तरह बर्बाद ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उसके लिए हम अपना समय नहीं निकाल पाते, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही कभी नहीं जाता, लेकिन पूरे जीवन भर यही सोचता है कि आज नहीं तो कल हम अपना समय उसे अवश्य देंगे। तो दोस्तों, यदि इस बात का अर्थ समझा जाए तो वास्तविकता यही है कि जिसे हमें सबसे अधिक महत्व और जिसे हमें सबसे अधिक समय देनी चाहिए, उसे हम अपना वह कीमती समय कभी देते ही नहीं। हमारा ध्यान तो उस पर तब जाता है जब हमारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, यानी जब हमारी मृत्यु हमारे बहुत नज़दीक होती है, तब हमें उसकी याद आती है। लेकिन उस वक्त हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम उसे वक्त दे सकें, कुछ समय दे सकें। दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए आज इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। इस कहानी के अंदर आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, किसी नगर में एक महान राजा रहता था। वह राजा बड़ा पराक्रमी था, वह बहुत शक्तिशाली था। उसने दुनिया के बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया था और अपनी जीत के जश्न में चारों ओर लोगों को खाना बंटवा रहा था, धन बंटवा रहा था। राजा से मिलने और भी राजा वहां पर आए हुए थे। राजा की प्रजा राजा के लिए गीत गा रही थी, खुशियां मना रही थी, राजा की प्रशंसा कर रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे, जश्न मना रहे थे। वह राजा और उस दरबार में आए हुए अन्य राजा, सभी लोग एक साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी एक दूसरे राजा ने उस पराक्रमी राजा से एक सवाल किया। उस राजा ने कहा कि हे राजन, आपने इतने कम समय में ये जो सफलताएं हासिल की हैं, इस कामयाबी का रहस्य क्या है? वैसे तो कईयों ने इस कामयाबी को पाने की कल्पना की, कईयों ने प्रयास किए, लेकिन कोई भी इसे इतने कम समय में हासिल नहीं कर पाया। तो आखिर आप इसे कैसे इतने कम समय में हासिल किए, कृपया हमें बताने का कष्ट करें। इसका जवाब देते हुए उस पराक्रमी राजा अन्य राजाओं और दरबार में आए हुए सभी लोगों से कहा कि यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो उस चीज को पाने का एक सही समय होता है और आपको उस समय को पहचानना आवश्यक है। जब आप उस समय को पहचान लें तो ठीक उसी समय पर आपको कर्म भी करना है। यदि आप कर्म करने से चूक जाते हैं या फिर आपने उस कर्म को करने में देरी कर देते हैं, तो जो चीज आप चाहते हैं वह आपके हाथों से निकल जाती है। इसलिए अपने जीवन में सभी को महत्व दो, सभी को समय दो। आपका समय सभी का है और आपका समय सभी के हिस्से में आना ही चाहिए। समय और कर्म मनुष्य के जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। जिसने समय को समझ लिया, जिसने समय को पहचान लिया और साथ ही समय के अनुसार वह सही कर्म कर लिया, तो उसे निश्चित ही वह पल अवश्य मिलेगा जिसकी वह इच्छा करता है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, परिस्थितियां उनके विपरीत क्यों ना हो, लेकिन वह अपने लक्ष्य को अवश्य ही पा लेगा। जैसे कि मैंने यह सब कुछ पाया और वह भी इतने कम समय में, और आगे भी इसी तरह से सफलता हासिल करता रहूंगा। राजा का यह जवाब सुनकर वहां पर उपस्थित सभी राजा और अन्य राज दरबार के लोग बहुत प्रसन्न हुए। सभी ने राजा को सफलता की बधाई दी, राजा की बात का स्वागत किया
लेकिन उस राज दरबार में एक महात्मा भी थे। वह राजा की बात सुनकर बड़े जोर जोर से हंसने लगे और वह इतना जोर जोर से हंस रहे थे कि हंसते हंसते वो वहीं पर गिर पड़े। वहां पर उपस्थित लोगों ने महात्मा को उठाया और पकड़ लिया। कुछ लोगों ने राजा से कहा, हे राजन, यह महात्मा आपका अपमान कर रहे हैं, इसलिए आप आदेश दें कि इस महात्मा को मृत्युदंड दिया जाए। राजा ने उन लोगों की बात सुनी। पहले तो राजा ने चुपचाप उस महात्मा को देखा और उस महात्मा को देखकर राजा के मन में दया जाग उठी, क्योंकि वह महात्मा बहुत बूढ़े थे। और उनकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। राजा को लगा कि हो सकता है इस बूढ़े महात्मा को मेरी बात समझ में ना आई हो, जिस कारण यह जोर जोर से हंस रहे हों। राजा ने महात्मा से कहा, महाराज, लगता है मेरी बात आपके समझ में नहीं आई, इसलिए शायद आप जोर जोर से हंस रहे थे। राजा की इस बात को सुनकर महात्मा एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते फिर जमीन पर गिर गए। उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी और उन्हें हंसता देख राज दरबार के कुछ अन्य लोग भी जोर जोर से हंसने लगे। यह सब देखकर राजा के मन में क्रोध उत्पन्न होने लगा और उसने उस महात्मा से कहा, हे महाराज, आपको क्या लगता है, क्या हमने जो कहा वह सही नहीं है? क्या मेरी बातें हंसी के योग्य हैं? राजा की ये सारी बातें सुनकर वह महात्मा राजा से कहते हैं कि हे राजन, नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। सही समय पर सही कर्म करना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है, और कर्म का बंधन जो समझ जाता है, जो इसे पहचान लेता है और जो इस पर सही समय पर कर्म करता है, वही आगे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि आखिर में जो आपने कहा कि आपके समय पर सभी का हक है और आप सभी को समय देते हैं, आप सबका ख्याल रखते हैं, आप सबका ध्यान रखते हैं, यह गलत है। इस पर वह राजा उस महात्मा से कहता है कि हे महाराज, आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सभी को समय नहीं देता? तब वह महात्मा राजा से कहते हैं कि हे राजन, एक ऐसा बेचारा भी है जिसके लिए आपके पास कोई भी समय नहीं है और उसे आपके समय की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आपने आज तक उसके लिए कोई कर्म नहीं किया और ना ही उसे अपना कोई समय दिया है, इसलिए वो आपको कभी नहीं मिलेगा। यह बात सुनकर राजा को और भी क्रोध आ गया। राजा ने उस महात्मा से कहा, महाराज, आप मुझे बताइए वो कौन है, मैं उसे अवश्य अपना समय दूंगा और उसे जानने की कोशिश करूंगा। इस पर वह महात्मा फिर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, हे राजन, मेरा काम था आपको आगाह करना, वो मैंने कर दिया, अब आप खुद उसे खोज लीजिए कि आखिर वो कौन है, मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक आप पता कीजिए कि ये आखिर ऐसा कौन है जिसे आपने अभी तक कोई समय नहीं दिया। इतना कहकर वो महात्मा राजदरबार से हंसते हुए चले गए। राजा को उस महात्मा की बात लग गई, वह सोच में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जो राजा के बिल्कुल करीब है, लेकिन उसके बावजूद राजा ने उसे कभी भी अपना समय नहीं दिया, ना ही उसके लिए कोई कर्म किया। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने अपने अधिकारियों से कहा, जाओ और पूरे राज्य में पता करो कि वह कौन है जिसे हमने आज तक अपना समय नहीं दिया। अधिकारियों ने राजा का आदेश पाकर छानबीन शुरू की और धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उन अधिकारियों को अभी तक यह नहीं पता चल पाया कि आखिर वह कौन है जिसे राजा ने अभी तक अपना समय नहीं दिया और जो राजा के बहुत करीब भी है। राजा मन ही मन सोच रहा था कि मैंने आज तक तो सभी को अपना समय दिया, अपने दरबार वालों को, अपनी प्रजा को, अपने परिवार को, यहां तक कि मैंने तो अपने शत्रुओं को भी समय दिया है, फिर आखिर ऐसा कौन है जिसे मैं अभी तक समय नहीं दिया है। राजा यह सोच सोचकर बहुत चिंतित हो गया था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है।
जिसके लिए राजा ने अभी तक कोई कर्म नहीं किया और ना ही उसे कभी अपना समय दिया। काफी दिनों के बाद राजा को लगने लगा कि महात्मा ने उससे मजाक करके वहां से चले गए और यह सोच सोचकर राजा को और क्रोध आने लगा राजा ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जाओ और उस महात्मा को ढूंढ कर लाओ, वो चाहे कहीं भी हो, मुझे वो महात्मा चाहिए। अधिकारियों ने राजा का आदेश पाकर उन्होंने पूरे राज्य को फिर से छान लिया, लेकिन वह महात्मा उन्हें कहीं नहीं मिले। आखिरकार हार मानकर वे अधिकारी वापस राजा के पास लौट आए और उन्होंने राजा से क्षमा मांगी और कहा, हे राजन, हमने पूरा राज्य छान लिया लेकिन वह महात्मा हमें कहीं नहीं मिले, इसलिए हमें क्षमा करें। राजा ने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी। उसे लग रहा था कि वह महात्मा हमारे ही राज्य में है, जिस कारण वह उन महात्मा को ढूंढने के लिए खुद ही निकल पड़ा। कई दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद उसे पता चला कि वह महात्मा पास ही के नगर में प्रवचन देने आ रहे हैं। वह राजा भी उस गांव में पहुंच गया और उसने देखा कि वह वही महात्मा थे जो उन गांव वालों को प्रवचन दे रहे थे और लोग उनके चारों तरफ भीड़ लगाकर बैठे हुए थे। राजा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने भेष बदल कर वह भी उसी भीड़ में शामिल हो गया। राजा यह देखना चाहता था कि ये महात्मा जो कुछ कह रहे थे, क्या उन्हें कुछ भी ज्ञान है या फिर उसने सच में राजा के सामने केवल मजाक किया था। वो महात्मा कुछ कह रहे थे लेकिन गांव वालों की भीड़ इतनी थी कि वे लोग आपस में ही बातें कर रहे थे, जिस कारण राजा को और उन गांव वालों को उस महात्मा की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी। और यह देखकर वह महात्मा बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वहां से उठकर जाने लगे। लेकिन जो लोग उस भीड़ में सबसे आगे थे, उन्हें महात्मा की आवाज सुनाई दे रही थी और वह जो कुछ भी कह रहे थे समझ में आ रहा था। लेकिन जब महात्मा ने यह देखा कि बाकी गांव वाले आपस की बातों में लगे हुए हैं, वह सभी एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं, तो वह महात्मा वहां से उठकर जाने लगे। लेकिन जिन लोगों ने उन महात्मा की बातें सुनी थी, समझी थी, वे लोग उन्हें रोकने लगे। वे कहने लगे, गुरुवर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने तो हमें अभी तक कुछ बताया ही नहीं, आप इस तरह से चुपचाप क्यों जा रहे हैं? रुकिए। वह महात्मा उन लोगों की बात मान जाते हैं और वापस अपने स्थान पर बैठ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम लोग इसी तरह से एक दूसरे की बातें सुनते और सुनाते रहोगे, ऐसे ही बातें करते रहोगे, तो मैं क्या, यदि तुम्हारे सामने ईश्वर भी आ जाए तो वो भी तुम लोगों को बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने यहाँ से चले जाएंगे और तुम लोग उन्हें कभी सुन नहीं सकोगे, क्योंकि तुम लोग तो आपस की बातों में लगे हुए हो, तुम्हें तो केवल एक दूसरे की बातों में मजा आ रहा है। तुम सभी अपनी अपनी बातें सुनने और सुनाने में लगे हो और तुम जैसे लोग जिंदगी भर केवल यही करते रह जाएंगे, तुम्हें अपना जीवन ऐसे ही पसंद है। लेकिन जब तुम जैसे लोगों का अंतिम समय आता है, उस वक्त जब तुम्हारी कोई बातें नहीं सुनता है, जब तुम्हें भीतर ही भीतर पीड़ा होने लगती है, तकलीफ होने लगती है, उस वक्त तुम लोग रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो कि कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, अब मैं क्या करूं। यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी गांव वाले चुप हो गए और महात्मा की बातें सुनने लगे और तब वह महात्मा एकदम चुप हो गए। आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक सभी लोग एकदम खामोश थे। तभी उस भीड़ से एक व्यक्ति ने कहा, हे महाराज, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप इस तरह से चुपचाप क्यों बैठे हैं? तभी वह महात्मा उन सभी से कहते हैं, बोलो मत, सुनो, ध्यान लगा कर सुनो। इतना कहकर वह महात्मा फिर से एक बार चुपचाप यूं ही बैठ गए और सभी लोग महात्मा के बोलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक ऐसे ही खामोशी छाई रही, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। तभी कुछ देर इंतजार करने के बाद उस भीड़ में से फिर एक व्यक्ति उठा और उसने उस महात्मा से कहा, हे महाराज, आखिर क्या बात है?
आप हमसे कुछ बताते क्यों नहीं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या आप हमारी हरकतों से नाराज हैं? तभी वह महात्मा जोर से चिल्लाकर कहते हैं, अरे मूर्ख, चुप रहो। जब तुम चुप नहीं बैठोगे तो तुम्हें सुनाई कैसे देगी? इसलिए चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान से सुनने का प्रयास करो। सभी लोग एक बार फिर से चुपचाप बैठ गए। सभी लोग कुछ सुनने का प्रयास कर रहे थे। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, किसी की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा, पर गुरु की ऐसी हरकतें देखकर तभी कुछ गांव वालों ने आपस में फिर से बात करनी शुरू कर दी। यह देखकर वह महात्मा एक बार फिर से कहने लगे कि तुम लोगों की यही तो समस्या है कि तुम कभी शांत नहीं रहना चाहते। तुम हमेशा कुछ न कुछ कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, कुछ न कुछ करते रहना चाहते हो, लेकिन कभी शांत नहीं रहना चाहते। कहीं पर भी रुकना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते। बस कुछ भी करना है तो वो है बोलना, बस बोलते रहो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम जो बोल रहे हो, इतने सारे विचार, इतने सारे शब्द, इतनी सोच, आखिर ये कहां से आ रहा है? इस बारे में कभी एक पल ठहर कर सोचा, कभी विचार किया कि यह जो शब्द तुम कह रहे हो, ये जो बातें एक दूसरे को सुना रहे हो, इसके पीछे तुमने किसी की आवाज को दबा रखा है? कभी उसके बारे में विचार किया? यह सब देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित थे और राजा को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये महात्मा कहना क्या चाहते हैं। फिर क्रोधित होकर राजा खड़ा हुआ और उस महात्मा से कहा, महाराज, यदि आप कुछ कहेंगे नहीं तो हम भला क्या सुनेंगे? आप जब से बैठे हैं बस यही कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, लेकिन अभी तक आपने कुछ कहा ही नहीं। जब आपसे कोई कुछ कहने के लिए कहता है तब आप बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं और कहते हैं, सुनो, ध्यान से सुनो। आखिर हमें क्या सुनना है? जब आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो हमें सुनाई क्या देगा? वह महात्मा फिर जोर से हंसने लगे और वह राजा को पहचान लिए। उन्होंने कहा, राजन, तुम भला कैसे सुन पाओगे? जिस समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता तुम्हारे कुछ करीबी को है, जिसे तुमने अपना अभी तक कोई समय नहीं दिया, तो भला तुम कैसे सुन पाओगे? तभी वह राजा बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर उस महात्मा से कहता है, आपने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो यहाँ पर भेष बदल कर आया हूँ। तब वह महात्मा राजा से कहते हैं, हे राजन, यहाँ जितने भी अकड़े हुए व्यक्ति बैठे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अकड़ तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें पहचानना बहुत ही आसान है। आगे वह राजा उस महात्मा से कहता है कि ठीक है, चलिए वो सब छोड़िए, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आखिर वो मेरा करीबी कौन है जिसे मुझे समय देना चाहिए और मैंने अभी तक उसे समय नहीं दिया। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि मैंने अपने अधिकारियों से पूरा पता लगवाया, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे मैंने अभी तक अपना समय ना दिया हो। यदि आपने मेरे साथ कोई मजाक किया था तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं इसके लिए आपको मृत्यु दंड दूंगा। वह महात्मा हंसने लगे और राजा से बोले कि हे राजन, मृत्यु दंड तो ठीक है, वो तो तुम मुझे बाद में दे देना, लेकिन उस व्यक्ति से तो मिल लो जो व्यक्ति तुम्हारे लिए तड़प रहा है, जो तुम्हारा समय पाना चाहता है, जिसे तुमने अब तक बिल्कुल भी समय नहीं दिया। इस पर वह राजा महात्मा से कहता है, ठीक है, आप मुझे बताओ वह कौन है, मैं आपसे वही जानने आया हूँ। तब वह महात्मा राजा से कहते हैं कि हे राजन, यदि आपको यह जानना है तो इसके लिए आपको मेरे साथ एकांत में चलना होगा। राजा उस महात्मा से बोला, महाराज, मैं आपके साथ अवश्य चलूंगा, क्योंकि मुझे यह जानना है कि आखिर वह कौन व्यक्ति है जिसे मैं अभी तक अपना कीमती समय नहीं दिया। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ,
इतना कहकर महात्मा और राजा दोनों एक जंगल में चले जाते हैं। वह जंगल बहुत सुनसान था, वहां पर किसी का आना जाना नहीं था। वह महात्मा राजा को एक तालाब के पास ले गए और राजा से बोले, हे राजा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम्हारे सबसे करीब है, वह तुम्हें उसी तालाब में मिलेगा। राजा ने महात्मा की बात मानकर उस तालाब की ओर आगे बढ़ता गया। जब वह तालाब में देखा तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। राजा यह देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उस महात्मा से कहता है, लगता है तुम मुझे एक बार फिर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वो महात्मा कहते हैं, नहीं राजन, ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य दिखाई देगा। तुम्हारा सबसे करीबी तुम्हें इस तालाब में ही मिलेगा। राजा ने फिर महात्मा की बात मान ली। वह तालाब की ओर आगे बढ़ा। उसने तालाब में एक बार फिर ध्यान से देखा। वह ध्यान से देख ही रहा था कि तभी महात्मा ने राजा से पूछा, राजन, क्या दिख रहा है? इसका जवाब देते हुए वह राजा उस महात्मा से कहता है, मुझे तो सिर्फ मेरी परछाई नजर आ रही है, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। तब वह महात्मा राजा से कहते हैं, ये राजन, आखिरकार तुम्हें वह तुम्हारा करीबी मिल ही गया। यही तो है वह व्यक्ति जिसे तुमने अभी तक कोई समय नहीं दिया और ना ही इसके लिए तुमने कोई कर्म किया। यही वह व्यक्ति है जिसे तुम्हारे समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम सबको समय बराबर देते हो, लेकिन इसे तुम समय देना भूल गए। राजा कुछ देर तक इस बात पर विचार करता रहा। वह अपने आप को तालाब में देखता रहा और उसके बाद राजा उस महात्मा से कहता है, महाराज, आप सही कहते हैं, हम सभी के लिए समय निकालते हैं, प्रजा, परिवार, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी। मैं सभी को समय देता हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए कभी समय नहीं निकाला। यहाँ तक कि मैंने सभी कर्म भी सही समय पर किए, लेकिन मैंने अपने आप को कभी समय नहीं दिया और ना ही मैं अपने लिए कोई ऐसा कर्म किया। और हमारे करीब तो हम ही होते हैं, लेकिन हम अपना ध्यान नहीं रखते, अपनी एक नहीं सुनते। लेकिन हे महाराज, मेरा आपसे एक और सवाल है। आप मुझे यह बताइए कि भला हम अपने आप को कैसे सुन सकते हैं, अपने आप को कैसे समय दे सकते हैं, अपने लिए कैसे कर्म कर सकते हैं। राजा की यह बात सुनकर वह महात्मा एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगे और राजा से कहने लगे, चुप रहो, मौन रहो, शांत हो जाओ, आंखें बंद करो और बैठ जाओ, अपने ऊपर ध्यान लगाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, तभी तुम अपने आप को सुन पाओगे और अपने आप को समय दे पाओगे, अन्यथा तुम्हारा जीवन इसी तरह से व्यस्तता में बीत जाएगा और तुम कभी अपने आप को ना देख पाओगे और ना ही कभी सुन पाओगे। और जब तुम्हारा अंतिम समय आ जाएगा, तब तुम्हें ये एहसास होगा कि तुमने तो अपने लिए समय निकाला ही नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुम्हारे पास अपने आप को देने के लिए समय नहीं होगा। तब तुम भला अपने आप को कैसे सुनोगे? जैसा कि तुम कहते हो, सही समय पर सही कर्म करना चाहिए, तो बिल्कुल यही समय है और ये बिल्कुल सही समय है। जब हम अपने आप को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं और हम अपने आप को उन कर्मों से भी बचा सकते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जाते हैं। उस महात्मा के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजा तुरंत ही महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे मिलाया, अन्यथा मैं तो अपना जीवन इसी तरह से व्यर्थ में ही गंवा देता। मैं अपने आप को समय नहीं दे पाता, कभी अपने आप को समझ ही नहीं पाता, अपने आप को कभी सुन ही नहीं पाता। राजा की यह सारी बातें सुनकर वह महात्मा जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते वह तालाब में जा गिरे और राजा से कहने लगे, तुम तो गंभीर हो गए, यह जीवन गंभीरता के लिए नहीं बल्कि हंसने और हंसाने के लिए, खुशियां बांटने के लिए, सुख बांटने के लिए। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को समय दो
और दूसरों में खुशियां बांटो। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हम सारा दिन लोगों के साथ फालतू की बातें करते रहते हैं। कुछ काम की होती है तो कुछ बेकार की होती है, कुछ ज्ञान की होती है तो कुछ मूर्खता की होती है, लेकिन हम कभी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने लिए समय नहीं निकालते, अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करते। हमारे पास इतना समय तो है कि हम अपने आसपास, अपने परिवार और अपने समाज को अपना समय दे सकें, लेकिन हमारे पास अपने लिए भी समय नहीं होता। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, और यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है, बल्कि आपको तो बस इतना ही जानना है कि आपके भीतर कौन सी भावना है, आप किस तरह से सोचते हैं, कैसे विचार करते हैं, आपके मन में किस प्रकार की बातें चलती हैं। पर यह सब तभी संभव है जब आप मौन हो जाएं, क्योंकि मौन होकर ही हम अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम अपने आप की खोज शांति में ही कर सकते हैं, क्योंकि जब हम मौन होते हैं तो हमारी ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है। जब हम परेशानियों में उलझे होते हैं, जब हम चारों तरफ की समस्याओं से घिरे होते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। हमारे मन में अनेकों विचार उत्पन्न होते रहते हैं, हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है, हमारा मन इधर उधर की बातों में लगा रहता है, लेकिन वो कभी भी समस्या के समाधान की ओर नहीं जा पाता, क्योंकि हम कभी शांत रहना ही नहीं चाहते, जिस कारण हमारे भीतर एक भूचाल मचा रहता है। ऐसे समय में हमें अपने ऊपर थोड़ी दया करनी चाहिए, हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। और जब हम अपने लिए समय निकालेंगे, जब हम मौन होकर बैठेंगे, तो ये वही समय होगा जब हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद निकाल लेंगे, और यह शक्ति हमें मौन से ही मिलती है, और यह शक्ति हमें मौन से ही मिलती है, और आप सही राह भी पकड़ पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति खुद को समय नहीं देता, जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता, जो व्यक्ति खुद को नहीं पहचान पाता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। यह भले हो सकता है कि आप नाम कमाएं, धन कमाएं, शोहरत कमाएं, पर भीतर से आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए पूरे दिन भर में कुछ समय का मौन जरूरी है। यह मौन आपको वह शक्ति देगा, वह राह दिखाएगा, जिससे आप अपने जीवन का बड़े से बड़ा लक्ष्य बड़ी सरलता से हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप आज की इस वीडियो से जरूर कुछ अच्छा सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।